सीतापुर को सीएम योगी की सौगात, 116 करोड़ की 83 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीतापुर में सीएम ने एसपी बीएसपी पर साधा निशाना, कहा बुआ बबुआ ने किया था नोटबंदी का विरोध, भ्रष्टाचार का पैसा दीवारों से निकल रहा। प्रतापगढ़ को सीएम योगी की बड़ी सौगात, सीएम योगी ने 554 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। साहिबजादा दिवस पर आयोजित गुरुवाणी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी, सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब रखकर टेका मत्था। साहिबजादा कार्यक्रम में सीएम योगी ने सिख समुदाय की जमकर तारीफ की, कहा सिख पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को किया नमन, ट्वीट कर लिखा अत्याचार व अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी ने हिमाचल के मंडी को दी 11,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, पन बिजली परियोजना का भी किया शिलान्यास। हिमाचल के मंडी में पीएम मोदी ने कहा हिमाचल से मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है, हिमाचल ने ही मेरे जीवन को दिशा दी। पीएम मोदी बोले 4 सालों में तेजी से हिमाचल का विकास हुआ, हमने विकास रुकने नहीं दिया, हमने हिमाचल के लोगों का सपना पूरा करने की कोशिश की। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी रहे मौजूद। पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की हुई बैठक, बढ़ते कोरोना और तीसरी लहर के खतरे को लेकर चर्चा हुई। माफिया अतीक अहमद की और बढ़ेंगी मुश्किलें, बहुचर्चित मदरसा कांड की योगी सरकार फिर से करवाएगी जांच, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया ऐलान। 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे पीएम मोदी, मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ के रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, गर्ल्स हॉस्टल की मेस में घुसा तेंदुआ, अब तक 15 लोगों को कर चुका है जख्मी। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, हाट काली मंदिर में की पूजा अर्चना, कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप, 5 लोग हुए थे जख्मी, पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार, 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी करेंगे उद्घाटन, हेमा मालिनी, राजू श्रीवास्तव जैसी हस्तियां शामिल होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर कसा ईडी का शिकंजा, ईडी जल्द अटैच कर सकती है संपत्ति, जेल में पूछताछ के बाद सख्ती।